तो हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल क्लासेस के ऊपर। और फंडामेंटल्स में मनीष जी सबसे पहले जी जानते हैं कि वीवीए है क्या। देखिए वीवीए जो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा ये कोई VV6 नहीं है या कोई VV स्टूडियो नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप वीवीए के थ्रू किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं तैयार कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर नहीं तैयार कर सकते। वीवीए के थ्रू आप क्या बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नए टूल्स को डेवलप करें, नए फीचर्स को, नए कमांड को डेवलप करें जो रन होगा एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल और जो बाकी चीजें उन्हीं के साथ, किसी और प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होगा। मैं बार बार एक्सेल की जगह पे एमएस ऑफिस इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वीवीए जो है वो सिर्फ एक्सेल पे नहीं, आपका पूरे एमएस ऑफिस पे वर्क करता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक सब पे वर्क करता है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एमएस ऑफिस जिक्र किया मैंने। लेकिन सारे प्रोग्राम, सबकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है, कुछ प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है, कुछ अलग होती है। जैसे कि एक्सेल में हम एक सेल के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के अंदर वर्क करते हैं, और पावर पॉइंट में स्लाइड पे वर्क करते हैं, और आउटलुक में एक मेल पे वर्क करते हैं। तो लेकिन कोडिंग सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो पैटर्न है वो सब में सेम होता है। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम करेंगे क्या और उसका यूज क्या है। सबसे पहले हम बनाएंगे माइक्रो। अब माइक्रो से कुछ लोगों की कंफ्यूजन हो सकती है कि माइक्रो मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम जो रिव्यू के अंदर जो माइक्रोज है, रिकॉर्ड माइक्रो, इसकी बात करें। अब कुछ लोगों का ये अंदर कंफ्यूजन होता है कि माइक्रोज इट मीन्स रिकॉर्डिंग माइक्रोज, और वीवीए इट मीन जब कोडिंग लिखते हैं वो माइक्रोज। एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, हम वीवीए के थ्रू भी माइक्रोज बनाते हैं और रिकॉर्डिंग के थ्रू भी माइक्रोज ही बनाते हैं, दोनों माइक्रोज होते हैं। दोनों में फर्क होता है कि जब वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए हम लिखते हैं तो मेरा खुद का माइक्रोज होता है, मैंने लिखा है, और जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिस्टम जो है एक खुद ब खुद माइक्रोज लिख देता है। जैसे हमने रिकॉर्ड किया माइक्रोज को और D1 पे गए और D1 पे मैंने यहाँ पे 50 टाइप कर दिया, तो 50 टाइप करने का कोडिंग जो है माइक्रोज ने कर दिया। कैसे देखेंगे, यहाँ एडिट पे जाके, एडिट पे जाके देखिए इसने वीवीए प्रोग्रामिंग, अब मैं भी लिखूंगा तो इसी तरह की प्रोग्रामिंग टाइप करूंगा, तो मैं भी वीवीए यूज करूंगा और रिकॉर्डिंग माइक्रो भी वीवीए ही यूज करेगा। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो एक ऐसा टूल्स है जो आपके बिहाफ पे खुद कोडिंग कर देगा। अब यहां भी जब ये जब शब्द बोलता हूं तो कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि सर जब खुद ब खुद माइक्रो बन जा रहा है तो हम सीखें क्यों, क्यों टाइम पैसा एफर्ट वेस्ट करें। तो इसके पीछे रीजन है कि माइक्रो जब खुद रिकॉर्ड करेगा उसकी एक लिमिटेशन है, वो लूपिंग नहीं देगा, कंडीशंस नहीं देंगे, रिपीटेशन नहीं देगा, कनेक्टिविटी नहीं देगा, आपका डायनेमिक नहीं करेगा। आपने D1 पे लिख कर कर्सर लिख के नाम लिखा तो D1 पे ही नाम लिखने का कोड जनरेट हुआ, एवरी टाइम वो D1 पे ही लिखेगा। क्योंकि डेट में आपको F1 पे करना है तो वो माइक्रोज F1 पे नहीं कर पाएगा, तो डायनेमिक नहीं कर सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, फिलहाल जान लीजिए इसका यूज आप कर सकते हैं एज ए डिक्शनरी के रूप में। जैसे कि मान लीजिए, शायद आप करते भी हो, मान लीजिए कि मुझे पेस्ट स्पेशल का कोडिंग नहीं याद है या मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं पे गलती की है, तो मैं क्या करूंगा, माइक्रो रिकॉर्ड करके पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करके फिर उसकी कोडिंग में, सोर्स कोड में जाकर उसकी कोड को देख लूंगा कि पेस्ट स्पेशल की कोडिंग क्या है। ठीक है, अब ऐसा बात बोलता हूं तो एक बच्चे को और एक प्रॉब्लम आती है कि सर जब हम कोडिंग करते हैं तो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन जब सिस्टम कोडिंग करता है, जब रिकॉर्डिंग होती है तो ज्यादा होता है। जैसे देखिए आपके सामने, अगर मैं इसी चीज को मैं कोडिंग में लिखता, मैनुअली लिखते हम माइक्रोज के अंदर, तो हम सिंपल से क्या लिखते, लिखते रेंज
डॉट वैल्यू इक्वल टू 50, बट सिस्टम ने तीन को तीन लाइनें लिख दी। तो इसका मैं सीधा सा जवाब देता हूं कि सिस्टम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, और हम जो है जनरली जो जिससे जितना समझ जाए, जिससे समझ सके वो लैंग्वेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में अब आपको मान लीजिए, अगर फिलहाल तो आप सीए है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आप जॉब करते होते हैं तो अगर आपको छुट्टी लेना होगा तो अगर आपको लिखित रूप से देना है तो जाके थोड़े बोलेंगे कि बॉस कल नहीं आऊंगा काम है, इतना लिख के थोड़ी दे दीजिएगा। जब आप लिखने बैठिएगा तो एक लैंग्वेज को, एक पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, टू द मैनेजर फलाना कंपनी, डियर सर वगैरह वगैरह, थैंकिंग लिख के फिर दीजिएगा। करेक्ट सर, यही चीज को अगर वर्बली उनको समझाना है तो जाके थोड़े बोलेंगे टू द मैनेजर सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि क्या सही है। तो सेम चीज यहीं पे, जब जब आपका जब रिकॉर्डिंग मैटर जब ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है तो अपना पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो हम दिखाते हैं भाई इससे बंदा, इससे एक्सेल समझ जाए कि करना क्या। अच्छी तो हमारी कोडिंग कम होती है, रिकॉर्डिंग कोडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो दूसरा कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो भी यही लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि मैक्रोज होता क्या है। देखिए, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे काम होते होंगे जो कि बार बार रिपीट होते होंगे, डेटा अलग होता होगा, हर दिन डेटा अलग होता होगा, लेकिन डेटा को बनाने, उस रिपोर्ट को बनाने की प्रक्रिया और जो रिपोर्ट बनती होगी उसका फॉर्मेट सेम होता होगा, डेटा का फॉर्मेट सेम होता होगा। आपको उस रिपोर्ट को बनाने में आधे घंटा एक घंटा का टाइम लगता होगा, तो ऐसे केसेस में आप मैक्रोज लिख दें, नेक्स्ट टाइम आप बस आपको एक बटन पे क्लिक करना है, मैक्रोज अपने आप बन जाएगा और रिपोर्ट आपका अपने आप क्रिएट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपको हर दिन 20 लोगों को मेल करना होता है या 200 लोगों को मेल करना होता है, मेल में पैटर्न सेम होता है, मेल के अंदर पैटर्न सेम होता है, लेकिन मान लीजिए कि हर किसी के लिए अलग अलग है, नाम वगैरह अलग अलग होता है, तो वहां पे हम माइक्रो इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल से डेटा उठाएगा और उस पैटर्न में फिल करके भेज देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको 200 लोगों का ऑफर लेटर तैयार करना है, तो ऑफर लेटर का पैटर्न सेम होता है, बस नाम डेजिनेशन फ्रॉम डेट वगैरह सैलरी वगैरह चेंज हो जाती है, जिसका डेटा बेस आपके एक्सेल में पड़ा होगा, तो आप एक बटन पे क्लिक करेंगे सबकी पीडीएफ फाइल बनाएगा और सबको मेल कर देगा, बस एक क्लिक पे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। आप मैनुअल काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम जाएगी, जब ऑटोमेशन करेंगे तो एक्यूरेसी 100% रहेगी। जैसे मैनुअल आप मेल भेजेंगे तो हो सकता है किसी का ऑफर लेटर किसी और को चल जाए, yes. लेकिन ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होगा कि वो कंडीशन के थ्रू ही चलेगा। तो माइक्रो जस्ट लाइक ऑटो पायलट, जैसे प्लेन को उड़ाने की सारी प्रक्रिया कोड कर दी जाती है और जब ऑटो पायलट मोड ऑन किया जाता है तो उसी सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, सिचुएशन को फॉलो करते हुए ऑटो पायलट प्लेन को लर्न करता है, उसी तरह से माइक्रोज के अंदर आप रिपोर्ट बनाने के सारे स्टेप्स को, सारे कंडीशंस को, सारे सोर्सेस को आप फीड कर देते हैं वीवीए कोड के थ्रू, तो नेक्स्ट टाइम आपको एक बटन पे क्लिक करना होता है, क्लिक करते ही आपका रिपोर्ट बनके तैयार हो जाता है कुछ सेकेंड्स में। दूसरा जो वीवी से करते हैं वो करते हैं फंक्शन, फंक्शन मतलब फॉर्मूला। अब इसमें कुछ बच्चों का रिएक्शन होता है कि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला मेनू बार में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप तो पढ़ेंगे, और आप बोलेंगे सर कुछ फॉर्मूले और बना दो, तो एसी का सलूशन है, जैसे कि इसमें दी गई फॉर्मूले तो फिक्स है ना, अब जरूरी थोड़ी कि जो फॉर्मूला रिजल्ट दे रहा है आपको उसी तरह का रिजल्ट चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप है, तो वी लुकअप की प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट टू राइट चलता है,
रिपीटेड वर्ड को नहीं लेता है, एक ही सोर्स पे काम करेगा, मल्टीपल सोर्स पे काम नहीं करेगा क्या? हालांकि एक्स लुकअप और बाकी मैच इंडायरेक्ट और भी चीजें हैं जिससे हम इस चीज को दूर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है ना सर। आप तो यूज कर लेंगे, लेकिन आपने किसी अपने कलीग को दिया है या किसी अपने जूनियर को दिया है तो उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा ना। करेक्ट सर। तो उस केस में आप एक सिंपल फॉर्मेट बना दे ताकि वो बस इनपुट दे, एंटर मारे और रिजल्ट इसको पास ना। तो मतलब ये समझिए कि आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं जिसको आप एक्सेल में आसानी से यूज कर सके, और साथ में वही फॉर्मूला माइक्रोज में भी यूज आसानी से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैलकुलेशन है जिसके लिए आपको 20 लाइन का कोड लिखना है, वो कैलकुलेशन आपको 10 जगह पे देने है, तो 200 लाइन कोड आपका बढ़ जाएगा ना सर। लेकिन उसी कोड को आपने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो आपको 10 लाइनें ही लिखनी पड़ेगी मैक्रोज में वो कॉल करने की। तो एक जगह में इसको स्टोर कर लिया, जहां जहां चाहिए वहां वहां इसको हमने कॉल कर। ये हमारा फंक्शन का काम होता है, फंक्शन इट मीन क्रिएट द फॉर्मूला। उसके बाद आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इंटरफेस के लिए होता है। इंटरफेस इट मीन्स जो पॉपअप आते हैं यहाँ पे, ये पॉपअप दिख रहा है सर जी, इस तरह के पॉपअप बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते। एक वैलिडेट एंट्री के लिए, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, अभी मैं कल ही मैंने पढ़ाया है किसी को, ठीक तो बापे। ठीक है सर। यस। अब इसमें अभी यूजर फॉर्म, अब एंट्री देखिए यहाँ पे हो रहा है ना सर, तो हम मैनुअल एंट्री भी कर सकते थे ना, हमने फॉर्म क्यों लिया? कुछ ऑटोमेशन के लिए, जैसे कि इसमें देखिए सबसे पहला कि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, चार फोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पूजा, मोबाइल नंबर में आते हैं। अगर मोबाइल नंबर जैसे मैं कम डाल के आगे बढ़ूंगा तो मुझे बोलेगा प्लीज एंटर द 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। उसको यहाँ पे सिटी फ्लैग कर सकते हैं, कोर्सेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी ने रिकॉर्डेड क्लास लिया तो ये पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा, हो गया। ऑनलाइन भी क्लिक करेगा तो आ जाएगा, एक वैलिडेट एंट्री होगी ना सर। आ गया, करेक्ट सर। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वीवी के थ्रू हम माइक्रोज बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं और बनाते हैं यूजर फॉर्म। अब क्वेश्चन होता है इसमें कि इसका किसके लिए बनाएंगे, इस्तेमाल कब करेंगे। देखिए एक्सेल का इस्तेमाल जो होता है, जैसे वीवी तो नॉर्मली आप करते हैं, लेकिन जो वीवी का इस्तेमाल होता है वो बेसिकली दो तरीकों में होता है, रिपीटेड वर्क और लेंथी वर्क। अब ऐसा तो नहीं कि सर आपको एक छोटा सा काम आया हुआ उसके वीवी कोडिंग करने बैठ जाए क्या? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में ये देखेंगे कि हमारा कोड करने में टाइम ज्यादा जा रहा है या मैनुअल बनाने में कोड ज्यादा जा रहा है। सही है सर। कोड करने में टाइम अगर मान लीजिए कम जा रहा है तो हम लिख लेंगे, तो रिपीटेड वर्क हुआ तो आपको डेली में आपको आधा घंटा दे रहा हूं, तो मान लीजिए आधे घंटे कोड करने में आपको 1.5 घंटा लग गया, तो कोई बात नहीं क्योंकि 1.5 घंटा आपको वन टाइम लगा है, रोज आधे घंटे से अच्छा वन टाइम। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ काम ऐसा आ गया क्योंकि करने में काफी दिन लग जाएंगे,
जैसे कि आपके सामने मैंने ये एग्जाम्पल अभी दिखाया कि इसमें मैनुअली करेगा, और ये तो कुछ दिन का डेटा है, ज्यादा डेटा हुआ दिक्कत हो जाएगा ना सर, करेक्ट सर। तो उसके लिए हम ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप किसके लिए बनाएंगे। देखिए आप अपने लिए बना रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, लेकिन किसी और को आप मान लो ऐसी फाइल पे बना रहे जिसको आप बहुत सारे लोगों को भेजने वाले हैं, तो मैं उस पर बोलूंगा कि माइक्रो अवॉइड करें। करेक्ट, ठीक है, माइक्रो अवॉइड करने से बोलेंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन जो है हर किसी का डिसेबल होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हर किसी को ना भेजें। ठीक है, यस। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। तो सर जब भी कोई मैं वीवीए का कोर्स ज्वाइन करता है तो उनको हम दो चीजें करते हैं, एक तो मेरा एक रिकॉर्डिंग है 5 घंटे का, वो हम देते हैं। ठीक है, वो जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है बता देता हूँ आपको, वो बेसिकली एक्सेल की रिकॉर्डिंग है। आपने बोला कि मुझे एक्सेल तो आता है, लेकिन मैं अपने तसल्ले के लिए कि आपको आपको एक्सेल कितना आता है नहीं पता, ये रिकॉर्डिंग आपको देता हूं। इसमें मैं नहीं बोला हूं कि पूरा देखना है, 5 घंटे तो काफी ज्यादा है, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो जो चीजें आपको आता है उसको स्किप कर दीजिए जी, और जो चीजें नहीं आता है उसको देख लीजिए। जी इससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आप बीबीए सीखने लायक एक्सेल जान चुके हैं। जी उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप जो है excel-vva.com एक साइट आपको दिख रहा होगा, excel-vva.com इस वेबसाइट में कुछ आर्टिकल्स हैं, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब ये वेबसाइट कोई मेरा नहीं है, पहले बता दूंगा आपको, किसी और का है, लेकिन जब मैंने शुरुआती की शुरुआत में सीखने गया था तो मुझे इसके से बहुत हेल्प मिली थी, इसलिए मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि अगर टाइम है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, पक्का। ठीक है, ये दो चीज कर लीजिए। अभी 7 बज चुके हैं, 7 बजे बैच की फोन आ गया है। यस यस यस, ठीक है सर।